the internet is full of bro science fake knowledge half information or propaganda your quest of reliable authentic health information ends here so subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again so namaskar adab sat kal dosto hu, dr paramjeet aap dekh hai, doctor education dosto depression kya hota hai aur koi depression सुसाइड के बारे में सोच लेता है अपनी खुद की जान लेने पे उतर आता है आज उस बारे में हम बात करेंगे और उन सारे लोग जो इस बीमारी से नहीं लड़ पाए जी हाँ ये एक मेंटल इलनेस है ये एक बीमारी है जिस तरह फिजिकल बीमारी होती है वैसे मेंटल बीमारी होती है एक बीमारी है इस बीमारी से आप नहीं लड़ पाए उनको श्रद्धांजलि देते हैं और वो जो लड़ रहे हैं डिप्रेशन से जो इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको क्या हो रहा है उनको समझाते हैं कि भाई साहब आपको क्या हो रहा है क्या है डिप्रेशन क्या है सुसाइड क्यों करते हैं लोग सुसाइड और क्यों आप बहुत आराम से बच सकते थे डिप्रेशन एक सीरियस मेडिकल इलनेस है ये ये, ये उदास ही नहीं है ये सैड फीलिंग नहीं है दिस इज नॉट अ फीलिंग दैट यू आर जस्ट फीलिंग ब्लू या यू आर सैड नो राइट right? याद रखिए इस दुनिया में सबसे कॉमन चीज है फीलिंग सैड और बहुत ज्यादा कॉमन है डिप्रेशन डिप्रेशन उसको बोलते हैं जब ये फीलिंग सैडनेस की जा ही नहीं रही है खत्म ही नहीं हो रही है दिनों तक हफ्तों तक रह रही है उसको डिप्रेशन बोलते हैं यू माइड भी वन ऑफ द और ये सबसे ज्यादा कॉमन होता है टीनेज में 19 मिलियन टीनेजर्स पूरी सिर्फ एक आ, मान लीजिए दुनिया की बात नहीं कर रहे पूरी दुनिया में एक टाइम पे इस वक्त भी डिप्रेशन में होंगे और ये परसिस्टेंटली सिंपल सी चीज है डिप्रेशन की डेफिनेशन क्या है डिप्रेशन बोले तो फीलिंग सैड फीलिंग एमटी लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन इन योर फेवरेट एक्टिविटीज समटाइम्स यू ओवर ईट यू डोंट वॉन्ट टू ईट एट ऑल यू आर नॉट एबल टू स्लीप यू आर स्लीपिंग टू मच फीलिंग वेरी टायर्ड होपलेस इरिटेबल एंक्शस गिल्टी इधर उधर दर्द हो रहा है पेन्स हो रहे हैं हेडेक हो रही है क्रैम्प हो रहा है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो रहा है एंड थॉट्स ऑफ डेथ ये डिप्रेशन ऑल दीज फीलिंग्स टेम्प्ररीली आ रही है थोड़ी देर के लिए आ रही है तो डिप्रेशन नहीं है इफ इट इज नॉट गोइंग अवे एंड इट इफ इट इज इंटरफियरिंग इन योर एवरीडे लाइफ मंजे मतलब आपकी जिंदगी में दिक्कत दे रही है तो इसको डिप्रेशन बोलते हैं तो इसको डिप्रेशन बोलते हैं और डिप्रेशन इज अ डिजॉर्डर ऑफ द ब्रेन डिप्रेशन इज अ बीमारी डिप्रेशन आपके ब्रेन की एक बीमारी है उसके एक्चुअल कॉजेज है उसका एक्चुअल ट्रीटमेंट है उसमें बहुत सारे वेरिएबल कॉजेज होते हैं जेनेटिक आपका एक मायने रखता है जिनकी फैमिली में जेनेटिक कंपोनेंट है उनकी फैमिली में डिप्रेशन पाया जाता है फैमिली में सुसाइडल टेंडेंसीज पाई जाती है बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं क्या खाते हो कैसे खाते हो आपके बॉडी में पानी कितना है थकावट कितनी है खून कितना है बहुत सारे फैक्टर्स फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स मायने रखते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स मायने रखते हैं एनवायरमेंट कंक्यूजिव है कि नहीं सुहाना मौसम है कि नहीं कि कोई डेजर्ट में फंसा हुआ है हद गई है तो मरी जाऊं बेटर है वो भी एक काइंड ऑफ डिप्रेशन है इन्वायरमेंट मैटर करता है बायोलॉजिकल आपके फिजियोलॉजी मैटर करती है साइकोलॉजी मैटर करती है सबसे बड़ा फैक्टर इसने छोड़ दिया, उसने छोड़ दिया दिया उसने फेल हो 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 गया पास हो गया पास पास में तो कोई नहीं करता बट फेल हो गया या कंपनी डूब गई उधार ले लिया एट्सेट्रा एट्सेट्रा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई डिप्रेशन सो आई नो वॉट यू आर फीलिंग माई फ्रेंड आई डेफिनेटली नो दैट राइट इसको बीमारी है ये कोई, ये कोई कोई आपकी गलती नहीं है राइट right? प्रेगनेंसी के बाद फीमेल्स को पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो जाता है यंग को तो हर दूसरे दिन डिप्रेशन होता है हर तीसरे दिन प्यार होता है होता है क्या कर सकते हैं सो देर आर सम टाइप्स ऑफ डिप्रेशन देर आर सीजनल अफेक्टिव डिजॉर्डर देर आर पीपल विद बाइपोलर डिजॉर्डर देर आर डिप्रेशन एक्चुअल यू नो मेजर डिप्रेसिव डिजॉर्डर सो so, डिप्रेशन के लिए आपको डायग्नोसिस करना होगा साइकोलॉजिकल असेसमेंट पे जाना होगा मेंटल असेसमेंट की मेरे पास में हमारी एक वीडियो है वो जाके देख सकते हैं या फिर साइकोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं और एंटी डिप्रेशन आते हैं टॉक थेरेपी आती है काउंसलिंग आती है जो बहुत आसानी से आपको ठीक कर सकती है और क्यों कोई भाई साहब ऐसी चीजों में सुसाइड तक पहुंच जाता है सुसाइड मतलब टेकिंग योर ओन लाइफ राइट इट इज इट इज समथिंग जो इंसान बहुत ज्यादा बड़ा मेजर पब्लिक प्रॉब्लम है जो दुनिया भर में काफी सारे लोग इसके पड़ जाते हैं हो सकता है कोई इंसान इतना डिप्रेस हो जाए कि अपने लाइफ के बारे में सोचे राइट तो हु इज एट रिस्क हु इज़ एट रिस्क राइट सुसाइड जो है वो किस, कोई भी कर सकता है अमीर गरीब उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कोई भी सो so, अगर आप में कोई ऐसा पर्सन है जो डिप्रेशन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है वो रिस्क में दारू पीने वाले ड्रग यूज करने वाले रिस्क पे है जिसने पहले सुसाइड कर रखा है उसको उसको रिस्क है सुसाइड अटेम्प्ट का किसी की फैमिली हिस्ट्री है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर की अल्कोहल की सुसाइड की फिजिकल असोल्ट की सेक्शुअल अब्यूज की ऐसे लोग सुसाइड करने के रिस्क में है किसी के घर में गन है हाँ जी गन है किसी के घर में गन है वो सुसाइड के रिस्क में है और अभी अभी जेल से छूटे हैं तो सुसाइड के रिस्क में है कोई सुसाइडियल बिहेवियर कोई फैमिली मेंबर है जिसने सुसाइड का अटेम्प्ट किया या सुसाइड कर लिया तो वो पूरी फैमिली सुसाइड के रिस्क में है कोई मेंटल कोई क्रोनिक पेन है क्रोनिक दर्द है वो सुसाइड के रिस्क में है कोई स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट है कोई जॉब चलेगी फाइनेंशियल प्रॉब्लम कोई कोई चाहने वाला नहीं रहा कोई ब्रेकअप हो गया वो लोग सुसाइड के रिस्क में होते हैं और मान लीजिए अगर आप पंद्रह से चौबीस साल की उम्र के पंद्रह से चौबीस साल की उम्र के हैं तो आप फिर भी सुसाइड के रिस्क में है और साठ के ऊपर ये सबसे कॉमन एज है पंद्रह से चौबीस और सिक्सटी प्लस सबसे कॉमन इसका मतलब नहीं कि उसके आसपास हो नहीं सकती है। हो सकती सो so, इन्हीं कारणों की वजह से जो करते हैं वो इन्हीं में से कोई ना कोई कारण होता है और कोई नहीं होता याद रखिएगा तो so, इन कारणों को ध्यान रखिए अगर आपके फैमिली में आपके चाहने वाले में किसी को है उस उसमें नजर रखिए उससे बात करिए उसके वार्निंग साइंस देखिए देर आर वार्निंग साइंस फॉर सुसाइड वार्निंग साइंस क्या होते हैं टॉकिंग अबाउट वॉन्टिंग टू डाय कोई बात कर रहा है सुसाइड के बारे में दैट इज अ वार्निंग साइन कोई प्लान बना रहा है सुसाइड के बारे में या ऑनलाइन सर्च कर रहा है वार्निंग साइन कोई गन खरीद रहा है दवाइयां इकट्ठा कर रहा है सुसाइड का अटेम्प्ट के लिए तैयारी हो जाएगी कोई बहुत ही ज्यादा होपलेस है ट्रैप्ड है किसी के पास कोई कारण ही नहीं है जीने का अनबेरेबल पेन है कोई बर्डन के बारे में हो कुछ सहन नहीं हो रहा मुझसे सहन नहीं हो रहा मुझसे सहन नहीं हो रहा दैट्स नॉट अ गुड साइन कोई एंक्शियस है एजिटेटेड है रेकलेस बिहेवियर्स है राइट right? कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता वाला एकदम नेचर चेंज हो गया नॉट अ गुड साइन राइट सोई नहीं रहा कोई बहुत ही ज्यादा पूरा 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 दिन 24 घंटे सो रहा है नॉट अ गुड बीस बीस घंटे 18 18 घंटे सो रहा है कोई फैमिली से दूर रहने लग गया आइसोलेटेड रहने लग गया है बहुत ज्यादा गुस्सा होने लग गया है रिवेंज लेने लग गया है एक्सट्रीम मूड स्विंग हो रही है राइट नॉट अ गुड साइन तो so, ये सारे जो है ये साइंस है ये दस्तक है क्राइम पेट्रोल दस्तक देख लोगे बचा लोगे नहीं देखना चाहोगे नहीं पता होगा तो क्या करो हमें तो पता ही नहीं चला तुमने देखा ही नहीं याद रखो ये सारी चीजें कुछ लोग बताते भी नहीं किसी और को कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है ऐसे लोगों के बस चुप रहते हैं तो उनसे बात करो क्या कर सकते हो आप ऐसे लोगों के साथ इफ यू नो साइन सीधा सीधा हेल्प गेट देम हेल्प राइट अवे या तो वो साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाओ नहीं जा रहे हैं तो खुद बात करो आस्क द पर्सन वो क्या सोच रहे हैं क्यों सोच रहे हैं उनको सेफ रख सेफ जगह पे रखो ऐसी कोई भी चीज जो सुसाइड के लिए इस्तेमाल की जा सकती है उनके पास मत रखो और सबसे इंपॉर्टेंट उनके पास रहो बी देर विदिन बहुत इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि उनको क्या बोलो इंपॉर्टेंट है कि वो आपसे बात करें कुछ भी करें कोई भी बात करे उनके मुंह से उनके दिल से सारा निकले ये इंपॉर्टेंट लिसन फाइंड आउट व्हाट दे आर थिंकिंग एंड फीलिंग एंड देन देन यू टॉक कि आपको क्या एडवाइस देना है ठीक है डाटो मत समझो समझाओ और फिर सुसाइड जो हेल्पलाइंस uh, हैं इंडिया के अंदर पूरी दुनिया में है और काउंसलिंग uh, होती है साइकोलॉजिस्ट हैं काउंसलर्स हैं अगर जरूरत पड़ती है तो उनके पास जाओ अगर लगता है आप नहीं कंट्रोल ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना नहीं नहीं मैं कर लूंगा नहीं नहीं मैं कर लूंगा पछताना नहीं है राइट right? रिमेंबर छोटी बात नहीं है डिप्रेशन बीमारी है दिमागी बीमारी है दिमागी डॉक्टर के पास जाना ऐसा नहीं होता कि एक बार चले गए तो आप पागल करार दिए गए ऐसा कुछ नहीं है यू आर नॉट मैड इफ यू गो टू अ साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट नो दे आर ऑल्सो डॉक्टर्स ह्यूमन बींग्स राइट हो सकता है वो कुछ दिन कुछ हफ्ते कुछ महीने दवाएं दे लेकिन अब तो ठीक हो जाओ हमने लिटरली लाखों पेशेंट देखे हैं जो दवाइयां लेके ठीक हो जाते हैं फिर दवाइयां छूट जाती हैं हर चीज की दवा छूटती है चाहे वो दिमाग की हो बीपी हो होराइड हो जी हाँ छूटती है नहीं पता तो हमारे वीडियो देखो बाकी आपकी मर्जी सो so, इस वीडियो को शेयर करिए उस इंसान तक पहुंचाइए जो डिप्रेस्ड है जो सुसाइड के बारे में सोच सकता है सोच रहा है आइए किसी की जान बचाते हैं